बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबिर हसन। उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूली पराठा। मूली पराठा बनाना बड़ा ही आसान है और ये मूली पराठा जो है गाँव की मशहूर सौगात है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं मूली वाला पराठा। आटा हमने गूंद के रख लिया है। दो अदद हमने मूलियाँ ली हैं। मूलियों के हमने छिलके उतारे हैं और अच्छी तरह साफ कर लिया है। मूलियों को अब हम कद्दूकस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियों को कद्दूकस हमने कर लिया है। अब हम मूलियों से पानी निचोड़ेंगे। मूलियों से पानी हमने निचोड़ लिया है। अब हम मूलियों में शामिल करेंगे कटा हुआ धनिया 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटी हुई सब्ज मिर्च 4 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1/2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम चूल्हा जलाएंगे और तवे को रखेंगे चूल्हे पर। जब तक हमारा तवा गर्म होगा तब तक हम पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं पकाने के लिए। पेड़ा बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आटा लगाएंगे। साइड पे रख देंगे। रोटी हमने बना ली है। अब हम इसके ऊपर मूली लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनारों को बंद करेंगे। तवे पर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड चेंज करेंगे। ऊपर घी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे मूली वाले पराठे के ऊपर। पराठा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम पराठे को उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ है, इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। ये देखें हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पराठा हमारा तैयार हुआ है, अब हम इसे भी उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें हमारे मूली वाले पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप भी घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके मूली वाले पराठे कैसे बने हैं। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल विल्ज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।